हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अपने घर में साकस चले होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। आज हम लोग देखेंगे लॉरेंज बल क्या है, इसके बारे में क्या करना आपको जानना है और इसके लिए क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण क्या करता है, आपके ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो कण पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, दोनों उपस्थित हो। यह हो आपका विद्युतीय क्षेत्र और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर मान लीजिए कोई आवेशित कण आपको गति करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के कारण पर कौन सा बल लगेगा, विद्युतीय बल, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण पर कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। इन दोनों बलों को ही क्या कहते हैं, तो कण पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, हम लॉरेंज बल कहेंगे। तो उसका परिभाषा पर लिखते हैं, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो कान पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कान पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो कान पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। अर्थात लिख सकते हैं लॉरेंज बल बराबर क्या हो जाएगा, विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल, लॉरेंज बल को हम क्या है, किसे भी करें एफ से प्रिंट करेंगे, विद्युतीय बल को एम ई से, प्लस चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, तो एफ एम हो जाएगा। यह होगा आपका लॉरेंज बल का परिभाषा। फिर इसके बारे में देखना है कि इसके लिए क्या व्यंजक होता है, तो लिखेंगे लॉरेंज बल के लिए व्यंजक। तो चलिए देखते हैं लॉरेंज बल के लिए व्यंजक देखते हैं। तो लॉरेंज बल के लिए क्या देखना है, व्यंजक देखना। यहां पर लिखना है लॉरेंज बल के लिए व्यंजक, लॉरेंज बल का व्यंजक देखना, लॉरेंज बल का व्यंजक। पहले सबसे पहले आप कैसे दिखाना है, फिगर दिखाना है। मान लीजिए ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये आपका हो गया विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। हो गया आवेशित कण यहां पर क्या कर रहा था, प्रवेश कर रहा है, कितना वेग से, तो भी वेग से। तो देखिए आप लोगों को पहले पता है कि यहां पर क्या रहता है, स्रोत आवेश रहता है, और यहां पर क्या रहता है, धन परीक्षण आवेश क्या रहता है, किरण रखता है ना। ये स्रोत आवेश क्या करते हैं, इस धन परीक्षण आवेश पर क्या लगाते हैं, तो बल लगाते हैं, है ना।
ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मान ली विद्युत क्षेत्र है, ये होगा, इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा ना। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं कि कीनोड आवेश पर जो लगने वाला बलों का मान क्या होता है, एफ होता है, और एकांक बल कितना होगा आपका, एफ बाय कीनोड। इस एफ बाय कीनोड के हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि ई इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ बाय कीनोड होता है। तो बल क्या हो जाए, एफ बराबर क्या हो जाए, कीनोड मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कर्ण पर लगने वाले विद्युत बल जो हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाए, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, आवेशित कर यहाँ पर क्या कर, आपका कितना वेग से प्रवेश कर रहा है आपका, देखिए भी वेग से, कितना कोण बनाता है आपका, थीटा। तो कर्ण पर लगने वाले चुंबकीय बल जब हो जाएगा एफ एम बराबर क्यू वी, और क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, यह होता है आपका चुंबकीय बल। तो आपको देखना सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के कर्ण पर कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कर्ण पर कौन सा बल है, चुंबकीय बल है। तो क्या देखना आपको, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल दोनों बलों के योग को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज़ बल कहते हैं। इसके लिए क्या देखना आपको, व्यंजक देखना है। तो चलो देखते हैं, विद्युत बल पहले देखते हैं, विद्युत बल क्या लिखना है, यदि Q आवेश वाले कण, Q आवेश वाले कण, एक कण विद्युतीय क्षेत्र E में, विद्युतीय क्षेत्र कहां पर आपका, E में गति करता है, गति करता है, तो कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला विद्युतीय बल, क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर को क्या मिलेगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाय की नॉट, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, की नॉट इंटू ई, लेकिन आपका की नॉट तो नहीं है, क्या आपका आवेश क्यू है, तो कण पर लगने वाले विद्युतीय बल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसी प्रकार क्या देखना आपको, कण पर लगने वाले चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, दूसरा दिखाना है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, यदि क्यू आवेश वाले कण, यदि क्यू आवेश वाले कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से, भी वेग से प्रवेश करता है, तो भी वेग से प्रवेश करता है, तो कान पर लगने वाला, कान पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। साइंटिस्ट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के कारण लगने वाला चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं एफ एम बराबर, इस सब में आप वेक्टर दिखा सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाए, क्यू वी बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी, जैसे ए बी साइन थीटा के बदले में ए क्रॉस बी लिखते, उसी प्रकार बी बी साइन थीटा के बदले में क्या लिखना है, क्रॉस बी हो जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा।
अब क्या करना है, क्या कहते हैं कि जब कोई आवेशित कण आपके ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो कण पर लगने वाला कुल बल, तो कण पर लगने वाला कुल बल मतलब क्या, विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल है ना, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कुल बल जो होगा क्या होगा, लॉरेंट्ज़ बल कहलाएगा। अतः यहां पर लिखना है, अतः आवेशित कण पर लगने वाले, आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंट्ज़ बल क्या लिखना है, लॉरेंट्ज़ बल एफ बराबर आपको मिलेगा विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल, विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल, विद्युतीय बल क्या है आपका क्यू इंटू ई है, और चुंबकीय बल क्या है क्यू बी क्रॉस बी है, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा ई प्लस बी क्रॉस बी, क्यू को मान ले ली है ना, यही होता आपका लॉरेंट्ज़ बल के लिए व्यंजक होता है, लॉरेंट्ज़ बल का यही होता आपका व्यंजक। इसके बाद हम लोग देखिए विशेष स्थितियां स्पेशल केसेस, तो चलिए देखते हैं स्पेशल केसेस के बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे देखते हैं। विशेष स्थितियां, है ना, स्थिति वन, जब भी कोमा बी तथा ई तीनों एक ही दिशा में हो, तीनों क्या हो एक ही दिशा में तो क्या होगा, जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र दिशा, विद्युतीय क्षेत्र दिशा और आवेशित कण गति पथ की दिशा तीनों क्या हो एक ही और, ये हो गया मान लीजिए आपका भी है, ये आपका बी है और ये आपका ई है, तो कौन कितना डिग्री बने आपका जीरो डिग्री बनेगा, तो आप लिखना है अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा आपका जीरो डिग्री, तो लिखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस क्या होता है आपका भी क्रॉस बी होता है, तो इसको लिखा जाए यू, ये आपका क्यू है, ई प्लस भी बी साइन थीटा, थीटा बोले जीरो है तो क्यू ई प्लस भी बी साइन कितना डिग्री जीरो डिग्री, यानी क्या हो जाएगा एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, जो लॉरेंट्ज़ बल जो होगा वो विद्युतीय बल के बराबर होगा, ये हम लोग देख ली। केस टू देखेंगे, यदि कण विराम अवस्था में हो, यदि कण स्थिति नंबर दो, स्थिति नंबर क्या हो जाएगा आपका दो हो जाएगा, यदि कण विरामावस्था में हो, अर्थात आपको कण का जो वेग मिलेगा वो क्या हो जीरो हो जाएगा, तो लॉरेंट्ज़ बल का फॉर्मूला क्या था क्यू ई प्लस वी क्रॉस क्या होता है बी होता है, यानी क्या लिखना है क्यू ई प्लस आपको क्या मिलेगा वी बी साइन थीटा, ये आपका क्यू हो जाएगा
ये हो जाएगा जीरो बी साइन थीटा, यानी जो हो जाएगा लॉरेंट बल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका विद्युतीय बल के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग देख ले स्थिति वन और स्थिति नंबर दो पढ़ ली। तो हम लोग सबसे पहले पढ़े कि लॉरेंट बल क्या होता है। तो लॉरेंट बल क्या होता है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो कण पर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं हम लोग, तो लॉरेंट बल कहते हैं। ये हम लोग देख ली। तो हम लोग कैसे होता है वो भी देख ली कि यहाँ पर दिखाई दे ये आपका था चुंबकीय क्षेत्र की सा, इधर क्या दिखा था विद्युतीय क्षेत्र सा, आवेशित कण आप कैसे प्रवेश कर रहा है तो विद्युतीय क्षेत्र कण पर कौन सा बल लगा आपका विद्युतीय बल, और चुंबकीय क्षेत्र कण पर कौन सा बल लगा चुंबकीय बल, दोनों बलों का योग क्या कहते हैं लॉरेंट बल कहते हैं। तो दिखा दी आप लोग को पता है विद्युतीय बल क्या होता है, तीव्रता पहले पढ़ चुके हैं, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है E = F / Q not, तो Q not / F / Q not * E, तो आवेश मान Q not नहीं है पर क्या Q है तो क्या हो जाएगा बल F बराबर जो विद्युतीय बल होगा वो किसके बराबर Q * E के बराबर। इससे पहले चुंबकीय बल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा क्यू बी बी साइन, वो पहले पढ़ चुके हैं कहां पर, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक क्या था एफ एम बराबर क्यू बी बी साइन, दोनों को क्या करें जोड़ दिए एफ ई प्लस एफ एम क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, क्यू कॉमा ले ई प्लस क्या बी क्रॉस बी हो गया, ये आपका हो गया लॉरेंट बल का व्यंजक। इसके लिए हम लोग क्या देख लिए तो विशेष स्थितियां देख ली। स्थिति नंबर वन क्या था, यदि वी बी तथा ई तीनों एक ही दिशा में और थीटा क्या हो जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री तो क्या था बराबर क्यू डी पहले देख चुके हैं। स्थिति नंबर दो क्या था, यदि कण क्या विरामावस्था, यदि कण का वेग क्या शून्य हो तो यहाँ बराबर क्या क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, वेग शून्य मतलब वी जीरो बेटा थी एफ बराबर क्या क्यू डी के बराबर हो गया। तो ये हम लोग देख लिया लॉरेंट बल, इसके लिए हम लोग देख लिया व्यंजक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तब तक के लिए।